Hello everyone, welcome to the Future Academy. We are here for your better future. Let's learn, let's start the video. Okay, तो आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग आंसर्स देखने वाले हैं। आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैं लॉन्ग आंसर्स पर वीडियो बनाऊँ, तो मैं आज बना रही हूँ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जब भी कमेंट करें या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लेके अगर आप मेरे वीडियोज रेगुलर देख रहे हैं तो मुझे अपने स्टूडेंट्स के बारे में पता चले और मैं आपका नाम भी दे सकूं और आपको नाम बोल के या फिर आपको रिकमेंड कर सकूं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए एंड हाँ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? तो उसका उत्तर आता है, साक्षात्कार में काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे और सुधा ने उसके सही सही उत्तर दिए थे। आपको पता है कि चैप्टर में जब उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उसको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो सही से उत्तर देती है। पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी भी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो ऐसे उसने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया। तो इसके पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि पहले उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर वो सारे आंसर्स के सही उत्तर देती है, फिर जब वहाँ के टेलको कंपनी के जो आपको पता है JRDN टाटा है वो उनको कहते हैं कि भाई आपको पता है कि मुख्य स्थल पर लड़कियां काम नहीं कर सकती, वो लड़कों का काम होता है, तो वहाँ वो उनको रोकती है और कहती है कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, अदरवाइज कोई लड़की कभी भी काम नहीं कर पाएगी कंपनीज के अंदर या फिर आपकी फैक्ट्री के अंदर। तो वहाँ पे उसकी ये बात सुनकर उनको अच्छा लगता है और उसको वहाँ पे एज ए इंजीनियर पोस्ट दी जाती है और उसको इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। नंबर टू देखते हैं, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर आता है, आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे, वह पुरुष प्रधान समय था। तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे, इसलिए लोगों की धारणा बन गई थी कि महिलाएं कुछ निश्चित कार्य ही कर सकती है। आज महिलाओं के लिए शिक्षा, तकनीकी, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र खुले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। वे कार्यालयों में नियुक्त से लेकर शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्थापिका, इंजीनियर, नेता आदि सभी रूपों में अपना महत्व सिद्ध कर चुकी है। इसलिए सुधा के स्थान पर यदि मैं होती तो किसी महिला संगठन के संपर्क कर किसी चैनल पर बड़े पैमाने पर डिबेट आयोजित करता, ताकि देश की सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी होती और इस प्रकार के नियुक्तियों की आंखें खुल जाती। तो यहाँ पे आप अगर सुधा की जगह पर होते तो क्या करते वो देखना है। तो ये है, आज टेक्नोलॉजी का युग है, आज सोशल मीडिया का यूज है, आप उसका यूज करके आप सबको दिखा सकते हैं कि आज की नारी सब कर सकती है। पहले क्या था कि लड़कियों को घर की चार दीवारी में ही कैद करके रखा जाता था कि घर का काम करो और ये करो बस, और सब यही मानते थे कि वो यही कर सकती है, इसके अलावा और कुछ कर सकती नहीं। लेकिन आज महिलाओं ने हर क्षेत्र के अंदर अपना काम दिखाया है, वो करके दिखाया है और पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, तो ये सबको पता है। तो अगर आज के जमाने में अगर कोई ऐसा इंसान अगर दोनों पक्ष में भेद कर रहा है और महिला नहीं कर सकती पुरुष ही कर सकते ऐसा सोच रहा है, तो आज के टाइम पे हम डिबेट कर सकते हैं उनके साथ या फिर आज की महिलाओं को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज हर किसी के पास मोबाइल फोन होता है, हर किसी के पास वो सारी यूट्यूब है या फिर इंस्टाग्राम है, ऐसे सोशल मीडिया से सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो आपको सुन सकते हैं और आप समाज और आपके थ्रू या हमारे थ्रू समाज जागृत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? तो इसका उत्तर आता है कि सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधारक के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेलको की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और टेलको में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की।
वे इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई है। हम सुधा मूर्ति को देख के ये सीख सकते हैं कि हमारे अंदर भी एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हम जो सोचते हैं वो करने की हमारे अंदर एक शक्ति होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर टेलको के अंदर जो एक सेंटेंस लिखा गया था उसके विज्ञापन में कि महिला उम्मीदवार यहाँ पर आवेदन पत्र न भेजे, इस एक एक सेंटेंस ने उनको हिला दिया था कि ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। तो उसके खिलाफ गई हो और वहाँ पे एज ए इंजीनियर के पद पर जब उनको मिला तो उन्होंने अपनी फॉरेन की पढ़ाई छोड़ दी और वहाँ पे एज ए इंजीनियर वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी वो महिलाओं के लिए। उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई महिलाओं को पुरुष से कम समझे और उन्होंने अपने अपने आप को सिद्ध भी करके दिखाया, वहाँ पे बहुत सा अच्छा काम किया। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी नारायण मूर्ति के साथ जुड़ के, उनके पति के साथ जुड़ के उन्होंने इंफोसिस की स्थापना की। फिर उसी इंफोसिस कंपनी को इतने ऊंचे स्थान पर ले गई, सक्सेस कराया उसको। और उसके बाद वो उसी इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और उसी चेयरपर्सन बनने के बाद उन्होंने उसी के माध्यम से समाज के विकास के काम करना शुरू किया। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन सकती है तो वो डेफिनेटली वो सुधा मूर्ति हो सकती है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। उन्होंने समाज के विकास के लिए काम किया, शिक्षा में काम किया, उन्होंने चिकित्सा के लिए काम किया, उन्होंने स्कूल की इमारतें बनवाई, लाइब्रेरीज बनवाई, गरीब छात्रों को शिष्यवृत्ति दी। तो ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो ये देख के हमें सीखना चाहिए कि हम भी वो कर सकते हैं। वो भी ऑर्डिनरी गर्ल थी, हम भी हैं। तो ये वो लड़कियों के लिए प्रेरणा मूर्ति डेफिनेटली बन सकती है और उनको काफ़ी सारे अवार्ड से नवाजित भी किया गया है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम बहुत अच्छी चीज़ सीख सकते हैं कि हमारे अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए कि नहीं, हमें कुछ करना है लाइफ में। ओके, तो ये इतने तीन क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो हमने उसको सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कीजिए और दूसरे के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि मेरे साथ और ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। और प्लीज़ अपना नाम कमेंट कीजिए तो मैं आपका नाम ले सकूं और मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स कौन हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के 2 लाइन के आंसर और 1 लाइन के आंसर्स देखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।